नमस्कार, बिग बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। बिग बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे जो इस बीच ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। आपको बता दें, इनेलो नेता अभय चौटाला ने चिट्ठी लिखी है, विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है अभय चौटाला ने। चिट्ठी में त्याग पत्र देने की बात कही है अभय चौटाला ने, बड़ी खबर इस बीच यही। और ये साफ कहा है कि 26 जनवरी तक अगर कृषि कानून वापस नहीं लिए तो वो त्याग पत्र दे देंगे। और इस चिट्ठी में उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि इस चिट्ठी को ही उनका त्याग पत्र समझा जाए, यानी कि 26 जनवरी तक अगर किसानों का ये मुद्दा हल नहीं हुआ तो वो त्याग पत्र दे देंगे, बड़ी खबर इस बीच यही। और ये चिट्ठी आपकी टीवी स्क्रीन पर जो अभय चौटाला ने लिखी है, आपको बता दें साफ किया है अभय चौटाला ने और साफ तौर पर ये कहा है कि चिट्ठी को ही इस्तीफा समझा जाए अगर 26 जनवरी तक इन तीनों कृषि कानूनों के मुद्दे को सरकार हल नहीं कर पाती है। और ये चिट्ठी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल विधानसभा अध्यक्ष को यह चिट्ठी अभय सिंह चौटाला ने लिखी है। तो अभय सिंह चौटाला ने चिट्ठी में कहा है कि 26 जनवरी तक कृषि कानून अगर वापस नहीं हुए तो वो अपना इस्तीफा दे देंगे और इसी चिट्ठी को उनका इस्तीफा समझा जाएगा। तो बड़ी खबर उस बीच यही। इनेलो नेता अभय चौटाला ने विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी के जरिए यह जिक्र किया है कि अगर 26 जनवरी तक इन तीन कृषि कानूनों का यह मुद्दा सरकार नहीं सुलझाती है तो इसी चिट्ठी को उनका इस्तीफा समझा जाए। सबसे आखिरी लाइन इस चिट्ठी की साफ तौर पर उन्होंने मेंशन किया है 26 जनवरी 2021, यानी कि तारीखों का ऐलान इन्होंने कर दिया है कि अगर वापस नहीं लेती है सरकार तो इस पत्र को ही विधानसभा से मेरा त्याग पत्र समझा जाए। यह जिक्र उन्होंने इस लेटर की आखिरी लाइन में किया है और यह कहा है कि अगर सरकार इन तीन कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है तो इसी चिट्ठी को उनका त्याग पत्र समझा जाए। तो बड़ी खबर उस बीच यही और ये लेटर आपकी टीवी स्क्रीन पर। इनेलो नेता अभय चौटाला ने यह चिट्ठी लिखी है और जिक्र चौधरी देवीलाल जी के नाम से किया है और इस चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि अगर सरकार इन तीन कृषि कानूनों के मुद्दे को हल नहीं करती है तो इसी लेटर को उनका त्याग पत्र समझा जाए। तो ब्रेकिंग न्यूज उस बीच यही है। ठीक कुछ दिन पहले अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही भी थी कि अगर 26 तारीख तक यह प्रकरण हल नहीं होता है तो वो त्याग पत्र दे देंगे और आज उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को यह चिट्ठी भी लिखी है और इस चिट्ठी में यह मेंशन किया है कि ये तीनों काले कृषि कानून सरकार वापस ले नहीं तो इसी चिट्ठी को उनका इस्तीफा समझा जाए।